Asked here, the gain in the given transistor या जो भी आपको गेन दिया गया है 0.99 दिया गया है और 0.99 गेन आपका किसमें होता है ना वो आपका और इतना कम गेन आपको केवल मिलता है यानी कि 0.99 अगर आपको गेन मिला है वो अल्फा होता है बीटा काफी ज्यादा होता है मतलब कि 20 टाइम से 200 टाइम तक का गेन हमें मिलता है यानी कि आउटपुट इतना ज्यादा मिलता है बीटा में तो ये बेसिकली अल्फा गेन है और अल्फा के लिए हमें पता है कि ये कॉमन बेस कलेक्टर है कॉमन बेस सॉरी कॉमन बेस ट्रांजिस्टर है तो इसके लिए हमारा जो हम अल्फा को हम डिनोट करते हैं व्हाट आई सी ये आउटपुट करंट होता है और ये इनपुट करंट है ना तो दिस इज व्हाट वी नो अबाउट अल्फा और अल्फा आपको आपको 0.99 दिया गया है यानी कि 99% है ना तो हम ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि IC बराबर है 99% ऑफ IE है ना तो अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कह रहा है कि अगर चेंज होता है किसमें है ना तो अल्फा को हम जानते हैं डेल IC अपॉन डेल IE के बेस में है ना मतलब के फॉर्म में तो अब यहाँ पे पूछ रहा है कि द चेंज इन द एमिटर करंट इज 5 एम्पियर तो चेंज कितना होगा कलेक्टर करंट में ठीक है तो अगर आप 5 मिली एम्पियर का चेंज है आपका किसमें IE में तो इसका मतलब इसका 99% चेंज होगा किसमें कलेक्टर करंट में यानी कि IC में तो IC विल बी व्हाट 99% ऑफ 5 एम्पियर कूल तो ये हो जाएगा 4.95 एम्पियर सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस बेसिक क्वेश्चन ऑन व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड बाय दिस क्वेश्चन कि अगर आपको गेन लेस देन 1 रहता है क्या रहता है लेस देन 1 तो आपको समझ लेना है कि ये अल्फा है बेसिकली है ना क्योंकि बीटा यानी कि कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर में जो हमारा गेन यानी कि जो बीटा होता है वो काफी हाई रहता है